वेलकम टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस ईयर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, रेलवे की या सीएचएसएल के लिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 26। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 25 तक प्रोवाइड कर चुका हूँ और टोटल 250 क्वेश्चन कम्प्लीट करा चुका हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 251 टू 260। जो लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले प्रीवियस ईयर सीरीज में मैं आपको बता दूं, एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटी सारे एग्जाम के क्वेश्चन में ले रहा हूं और दो टॉपिक्स पूरी तरह से फिनिश हो चुके हैं। नंबर सिस्टम 413 क्वेश्चन में कंप्लीट कराया गया है पार्ट 1 से पार्ट 35। सेकेंड परसेंटेज 314 क्वेश्चन कम्प्लीट कराया गया है पार्ट 1 से पार्ट 25 में। चाहे सीजीएल के क्वेश्चन हो, सीपीओ के हो, सीएचएसएल एमटी के सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। अगेन आपको बता दूं कि इन दोनों टॉपिक्स की प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है। आप वहां प्लेलिस्ट, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप आसानी से सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। थर्ड टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, इसमें टोटल 268 क्वेश्चन करेंगे। 250 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे 251 टू 260 क्वेश्चन। और नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें ये, यानी कि इस पार्ट और उसके नेक्स्ट पार्ट में ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स पे जहाँ पे आप कमेंट करते हैं वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। या अपने टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए और वहाँ पे डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं 7300 प्लस मैथ, आप डायरेक्टली वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक्स का। लाइक्स करोगे इससे मेरे को ये पता चलता है कितने लोगों को सेशन पसंद आया। देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सेशन। क्वेश्चन नंबर 251 करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है एक कंपाउंड रेशियो। सारे बहुत सारे लोग पढ़े होंगे या बहुत सारे लोग नहीं पढ़े होंगे, उनके लिए है जो लोग नहीं पढ़े। कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने बोला कि ए इज टू बी रेशियो दिया गया है, बी इज टू सी दिया गया है और सी इज टू ए दिया गया है। अगर मैं इसका बोलूं कंपाउंड रेशियो निकालना, कंपाउंड रेशियो निकालना, तो आप क्या कहोगे, इस तरह से लिखोगे ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई ए, ठीक है। लेकिन ये हो गया कंपाउंड रेशियो। समटाइम्स आपसे पूछ देता है, कंपाउंड रेशियो को बोलते हैं आपको कि मिश्र अनुपात बता, ठीक है, मिश्र अनुपात। अब कभी बोलेगा आपको इनवर्स कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। देखो a बाई बी था, अब उल्टा क्या होगा, b बाई a, अब उल्टा क्या होगा, c बाई बी, उल्टा क्या हो जाएगा, a बाई सी। तो ये दोनों पूछा जा सकता है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, द कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियो। देखिए कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियो, यानी कि इनवर्स कंपाउंड रेशियो पूछा जा रहा है। ऑफ द क्या दिया गया है, x इज टू वाई जेड, वाई इज टू जेड एक्स और जेड इज टू एक्स वाई दिया गया। और इसके हमसे पूछा क्या गया है, देखिए कंपाउंड रेशियो ऑफ द यूनिवर्स रेशियो, यानी कंपाउंड रेशियो का इनवर्स, यानी कि इनवर्स कंपाउंड रेशियो पूछा गया है। तो इनवर्स कंपाउंड रेशियो क्या होगा, इसके बटा में इसका, यानी वाई जेड अपॉन एक्स इंटू इसके बटे में इसके, यानी जेड एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स वाई अपॉन जेड, जो हमने ये वाला सीक्वेंस किया था, ये वाला उस पे। अब देखिए कैंसिल कर देते हैं, देखिए एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, बचा क्या ऊपर एक्स वाई जेड और नीचे क्या बचा वन, यानी हमारा रेशियो क्या आ गया, एक्स इज टू वाई इज टू जेड इज टू वन, ये आंसर आ गया। तो हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 के प्री एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 252। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 मेंस में पूछा गया है। कहा जा रहा है कि 2420 वेयर डिवाइडेड अमंग ए बी सी, ए इज टू बी, ए इज टू बी का रेशियो क्या दिया गया है, 5:4, बी इज टू सी का रेशियो दिया गया है कितना, 9:10। तो हमसे पूछा क्या गया, सी को कितना मिला, सी गेट। तो देखो पहले इसका हम क्या निकालेंगे, कंपाउंड इसका क्या, कंबाइंड रेशियो ए इज टू बी इज टू सी, तो आपको निकालना बताया था इस तरह से लिखो 5:4, 9:10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें कितना हो गया 45, क्रॉस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 36, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें क्या हो गया 40।
यानी हमारे पास ए इज टू बी इज टू सी आ गया 45 इज टू 36 इज टू 40। अब हमसे पूछा क्या गया, सी को कितना मिला, तो टोटल को जोड़ते हैं। अगर मैं टोटल को जोड़ रहा हूं तो 36 चार तीन सात चार ग्यारह, ग्यारह एक बारह, 121 यूनिट। अगर इन सारे को जोड़ूं तो 121 यूनिट हो गया, और उसकी वैल्यू क्या दी गई है, 2420। तो एक यूनिट की वैल्यू टू टाइम्स कैंसिल, यानी कि 20। तो हमसे पूछा क्या गया, सी का यूनिट, सी का सी को कितना मिला, सी को कितना यूनिट मिल रहा है, 40 यूनिट। तो 40 इंटू 20 डेट मीन्स 800। 800 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को करने का को आपको ये क्वेश्चन देखिए मेंस के एग्जाम में पूछा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 253। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, 49 केजी ऑफ ब्लेंडेड टी कंटेन असम एंड दार्जिलिंग टी इन द रेशियो 5:2। यानी कहा जा रहा है कि 49 केजी का कोई चाय का मिश्रण है जो असम और दार्जिलिंग दो, असम एंड दार्जिलिंग टी इन द रेशियो किस रेशियो में है, 5:2। देन क्वांटिटी ऑफ दार्जिलिंग टी टू बी एडेड टू द मिक्सचर सो डेट असम एंड दार्जिलिंग टी इज इतना। कहा जा रहा है कि कुछ क्वांटिटी दार्जिलिंग टीम की, दार्जिलिंग टी जो चाय है उसकी क्या की गई, ऐड की गई, दार्जिलिंग टी ऐड किया गया, तो उसका रेशियो असम एंड दार्जिलिंग टी का क्या हो गया, 2:1। अब देखिए इसको हम पहले बेसिक मेथड से करेंगे, उसके बाद इसको आएंगे रेशियो अप्रोच पे। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2016 में पूछा गया। देखिए ध्यान से किस तरह से करेंगे, पहले असम एंड दार्जिलिंग टी का कितना दिया गया रेशियो, इतना। तो मैं मान लूं असम का कितना हो गया 5x, दार्जिलिंग टी का 2x, और दोनों को मिला करके 5 और 2। चलो इस तरह से नहीं करना, अगर x नहीं मानना है तो भी आप चेंज कर सकते हो। देखो ध्यान से छोड़ दो, x नहीं मान के आप इस तरह से बना लो, टोटल 5 और 2 कितना हो गया, 7 यूनिट। और 7 यूनिट कितना मिक्सचर था, 49 केजी का, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 केजी। तो आपको असम कितना है, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू 35 केजी, यानी असम का कितना चाय का, 35। दार्जिलिंग की 2 यूनिट, तो 7 × 2 यानी 14 केजी, यानी दार्जिलिंग का हो गया। अब क्या कहा जा रहा है, अब ये कहा जा रहा है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कुछ दार्जिलिंग टी ऐड किया जाए, असम में तो कोई चेंजिंग नहीं किया गया, 35 है, दार्जिलिंग 14 है। कहा जाए कितना दार्जिलिंग टी ऐड किया जाए, मान लेते हैं x ऐड किया जाए, उसके बाद रेशियो क्या बन जाता है असम और दार्जिलिंग का, 2:1। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं, तो 35 = 28 प्लस 2x। तो इधर मैं इसको लेके जाऊं तो 7 = 2x, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 7/2, यानी कि 3.5 केजी। और यही हमसे पूछा गया था x के बारे में, कितना ऐड किया गया दार्जिलिंग टी, तो 3.5। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से भी कर सकते थे। रेशियो मेथड से क्या, देखो असम एंड दार्जिलिंग इनिशियल में कितना दिया गया, 5:2, बाद में कितना हो जा रहा है, 2:1। अब हमने क्या ऐड करना था, दार्जिलिंग टी ऐड करना था, तो असम की क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें दार्जिलिंग असम टी में तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, तो इनकी सेम, इधर 5 है इधर 2 है, तो क्वांटिटी को सेम करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई और इधर 5 से मल्टीप्लाई। अब क्या रह गया, देखो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 10 4, इधर 10 और 5, ये पता चल गया। अब दार्जिलिंग टी कितना ऐड किया गया, प्लस वन यूनिट। इनिशियल देखो, इनिशियल ये क्या है, 14 यूनिट। 14 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 49। तो एक यूनिट की वैल्यू 49/14, और यही एक यूनिट दार्जिलिंग टी ऐड किया गया था, तो इसको मैं काटूं, 7 × 2 = 14, 7 × 7 = 49, 7/2 डेट मीन्स 3.5 केजी, क्योंकि ये क्या था, दार्जिलिंग टी जो थी 1 यूनिट ऐड किया गया था, तो 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई, 3.5 केजी। तो भी आप ऑप्शन को जा सकते हो, तो आइदर यू कैन यूज इन द बेसिक अप्रोच एंड आइदर यू कैन यूज रेशियो अप्रोच। इफ यू आर कंफर्टेबल टू बोथ देन यू कैन सोल्व दो बोथ वे, बट आप एग्जाम में कोई एक अप्रोच अप्लाई कीजिएगा ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 254। ये क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस 2016 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है,
among 132 examined of a center of a certain school, the ratio of successful to unsuccessful student is 9:2. कहा जा रहा है सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल का रेशियो कितना है 9:2, और कितने हैं टोटल देने वाले एग्जाम में यानी 132। कहा जा रहा है हैड फोर मोर स्टूडेंट पास एंड द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल इज। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, बाहर से कोई एग्जामिन तो इतना ही देने वाले हैं, तो पहले हमें पता कर लें कि कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, कितने स्टूडेंट सक्सेसफुल हुए हैं और कितने अनसक्सेसफुल। तो 9 × 2 = 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 132। एक यूनिट की वैल्यू 11 × 11 दो बचा 12, एक यूनिट की वैल्यू 12, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 12 × 9 = 108 और 2 × 12 यानी कि 24। यानी हमें ये पता चल गया कि सक्सेसफुल 108 थे और अनसक्सेसफुल इतना रहे। अब क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि चार पास हो जाते, अब बताओ चार पास हो जाते तो ये इनकी संख्या बढ़ के कितनी हो जाती 112। अब इसी में से चार पास होंगे ना, तो चार क्या जो कम हो जाते, यानी जो पहले 20 स्टूडेंट्स 24 थे वो चार अनसक्सेसफुल, जो चार थे वो चार सक्सेसफुल हो गए इसमें से, तो ये कितना रह गया 20। और इनका रेशियो पूछा गया सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल का, तो कितना हो जाएगा मैं काटूं तो कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10 × 6 = 12 = 10। अब इधर मैं करूं तो क्या हो जाएगा 28 और 5, रेशियो 2 से फिर कैंसिल कर दूं तो 28 5। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो अगर आपके पास कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन नंबर 255, ये क्वेश्चन भी आपको सीजीएल मेंस 2016 में पूछा गया है। कहा जा रहा है इन ए रेजिमेंट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑफिसर टू सोल्जर, ऑफिसर टू सोल्जर इज 3:1 बिफोर, यानी कि क्या कहा जा रहा है कि कोई युद्ध से पहले रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसर और जवानों का अनुपात कितना था, यानी ऑफिसर टू सोल्जर का अनुपात कितना था 3:231। कब, जब युद्ध करने से पहले यानी बिफोर की बात किया जा रहा है। अब आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है इन ए बैटल 6 officers and 22 soldiers वेयर किल्ड देन रेशियो बिकम्स 1:13। अब देखिए पहले ऑफिसर लेट सपोज मेरे को मानना क्या है 3 यूनिट यानी 3x, सोल्जर कितने हो गए 31x। अब आगे क्या कहा जा रहा है 3x और ये कितना है सोल्जर 31x, कितने ऑफिसर मारे गए यानी 6, यानी 6 कम हो गए, कितने सोल्जर्स मारे गए 22 एंड 22 कम हो गए, क्योंकि जो मारे गए वो तो अब रेशियो बन गई, जो बच गए उनकी रेशियो क्या है 1:13। बस इसको सोल्व करना था, सोल्व करने के लिए हम क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 × 39x - 78 = 31x - 22। अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो क्या होगा 8x, और मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो 78 - 22 कितना हो जाएगा 56। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7। जब x की वैल्यू 7 हो गई, हमसे पूछा क्या गया है द नंबर ऑफ ऑफिसर इन द रेजिमेंट बिफोर द बैटल, बिफोर द बैटल ऑफिसर कितने थे 3 यूनिट, यानी ये रहा 3x ऑफिसर थे बैटल से पहले, यानी 3 × x की वैल्यू कितनी है 7, डेट मीन्स 21 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर देखिए अगर मैं होता तो एग्जाम में इतना करने की नीड नहीं थी, क्यों, पहले ऑप्शन चेक किया जाता। देखिए ऑफिसर, ऑफिसर लड़ने से, युद्ध में लड़ने से पहले कितना यूनिट था 3 यूनिट, तो जो आंसर होगा आपके ऑप्शन में 3 का क्या होगा मल्टीपल, 3 का मल्टीपल का मतलब कि आंसर 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से ना तो ये डिवाइड हो रहा है, ना ही ये हो रहा है, ना ही ये हो रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो 3 से डिवाइड होता था, ऑप्शन नंबर सी। विदाउट पेन एंड पेपर आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को, लेकिन आपको अप्रोच जानना है तो आपको पूरा का पूरा मैंने बता दिया, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को माइंड में डाउट होता कि दो ऑप्शन हो जाते तब, तो उसके लिए ये था, आपको मेथड बताया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 256। देखिए क्वेश्चन नंबर 256 क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2016 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज देख के डरना नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये, लेकिन आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। जैसे देखिए क्या कहा गया, 3 कंटेनर हैव देयर वॉल्यूम रेशियो 3:4:5, वॉल्यूम का रेशियो क्या है 3:4:5,
दे आर फुल मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द मिक्सचर ऑफ द कंटेन 4:1, 3:1, 5:1. पहले में 4:1, दूसरे में 3:1, तीसरे में 5:2. आगे बढ़ते हैं. द मिक्सचर ऑफ ऑल दिस थ्री कंटेनर आर पोर्ड इन टू द फोर्थ कंटेनर. इन तीनों को एक चौथे में कंटेनर में क्या किया, पोर किया गया, डाला गया. ठीक है, तीन कंटेनर थे, उन तीनों को मिक्स करके, वन मिनट मेरा पेन नहीं चल रहा है, एस चलने लगा, मिक्स करके एक फोर्थ कंटेनर में डाला गया. द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फोर्थ कंटेनर, इस कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है. देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम करते क्या है, और जो हमारा वॉल्यूम का रेशियो क्या है, 3:4:2. पेन एक्चुअली नहीं चल रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा. 3:4:5. ठीक है, वॉल्यूम का रेशियो है 3:4:5. अब देखिए आपको आगे कैसे करना है, इसके मैं दो मेथड बताता हूं. पहले देखो ये मिल्क और वाटर का रेशियो है, एक्चुअली वन मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा क्योंकि मेरा ये नहीं चल रहा है, पेन रुक रुक जा रहा है, वन मिनट वेट कीजिएगा. चलिए अब देखिए, ये मिल्क था और ये क्या है, वाटर. मिल्क और वाटर का रेशियो पहले कंटेनर में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना. पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों, ये फर्स्ट कंटेनर था, सेकंड कंटेनर था और थर्ड कंटेनर, तीनों को इस चौथे में मिक्स करके डालना था. तो इसमें पूछा गया मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा. तो पहला मेथड क्या है कि इनको हम चेक करेंगे कि टोटल यूनिट कितना है. देखो मिल्क और वाटर का फर्स्ट कंटेनर में 5 यूनिट, इधर कितना है, 4 यूनिट, इधर कितना है, 7 यूनिट. तो पहले हमें क्या करना होता है, तीनों को सेम बनाना है. तीनों को सेम बनाना है तो एलसीएम ले लें, 5, 4, 7 का एलसीएम. तो ये मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा, 5 × 20, 20 × 7 = 140. एलसीएम कितना हो गया इसका, 140. अगर एलसीएम 140 है तो फिर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें तीनों को इक्वल बनाना है. क्योंकि अगर ये कंटेनर है तो मिल्क की, मिल्क एंड वाटर टोटल मिला के जो उनकी क्वांटिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, तभी हम मिक्सअप कर पाएंगे. तो देखो तभी हम मिक्सअप कर पाएंगे. तो ये देखो 5 से डिवाइड करूंगा 140 को तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड करूंगा 140 को तो आ जाएगा आपको 28. 4 से डिवाइड करूंगा 140 को तो कितना हो जाएगा, 35. और 7 से डिवाइड करूंगा 140 को तो कितना हो गया, 20. हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया. इक्वल बनाने के लिए पहले एलसीएम और उसके बाद क्या, ये जो क्वांटिटी थी उससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड. तो ये इक्वल आ गया, इक्वल बन चुका है. अब इक्वल बन चुका है क्यों, क्योंकि 48 × 5 मल्टीप्लाई करोगे तो भी 140 आएगा, 35 × 5 करोगे तो भी 140 आएगा, 17 × 2 करोगे तो भी 140 आएगा. तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, 140 हमने बना दिया. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब देखिए अब किस रेशियो में वॉल्यूम मिलाना है, 3:4:5. यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 मिला दिए हमने. अब देखिए ध्यान से, आपको ये 28 × 3 कितना होता है, 28 × 3 होता है 8 × 24, 3 × 6 = 8. 35 × 4 कितना होता है, अभी पढ़े हो 140, और 20 × 5 कितना है, 100. अब क्या करेंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए अब मैं यहां पे मिटाने जा रहा हूं, तो मिल्क एंड वाटर क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से, एक मिनट. यस, ये था मिल्क एंड वाटर. देखिए मिल्क एंड वाटर, ये मिल्क है और ये वाटर है. देखिए 84 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, तो 84 × 4 कितना हो जाएगा, 84 × 4 हो गया आपको 336. ये कैलकुलेशन लेंदी ही था. और 84 × 1 = 84. अब 140 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 140 × 3 = 720. और इधर 140 × 1 = 140. 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 500. और इधर कितना हो जाएगा, 200. अब क्या कर जाए, चौथे कंटेनर मिल्क एंड वाटर. अब हमने क्या किया, सारा कुछ जो क्वेश्चन कर रहा था, अब ऐड करें तो ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1256. और ये ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 14 × 3 = 42, यहाँ पे 420 होगा. और इसको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 424. अब इसको रेशियो हमें चाहिए फाइनल फोर्थ कंटेनर में, इसको कैंसिल करूँ, दो से कैंसिल करूँ तो क्या हो जाएगा, 628. और इधर कितना हो जाएगा, 212. फिर इसको दो से कैंसिल करूँ तो कितना हो गया, 3140106. फिर दो से कैंसिल करूं तो 157:53. तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 157:53. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन थोड़ा सा
थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा था, ठीक है। इसको एक और मेथड से कर सकते हो, ठीक है, देखो वो भी मैं बता देता हूं। देखिए ध्यान से, पहले कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या था, 4:1। दूसरे कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना था, 3:1। तीसरे कंटेनर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना था, 5:2। और वॉल्यूम किस रेशियो में था, 3:4:5। तो हम ऐसा लेट सपोज आपको मान लेते हैं वॉल्यूम की जो आसानी से उसका रेशियो 3:5 है, तो 30, 40 और 50 मान सकता हूं। अब ये मानने के ऊपर डिपेंड है, आप कुछ भी मान सकते हो, ऐसा मानो जो उसका मल्टीपल हो ताकि आसानी से कट जाए। तो देखो ये फर्स्ट का वॉल्यूम इतना, सेकंड का वॉल्यूम इतना, थर्ड का वॉल्यूम इतना, लेट सपोज, क्योंकि जब रेशियो करूंगा तो 3, 4, 5 आ जाएगा, 0, 0, 0 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 5, ये टोटल मिला के 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 4 यूनिट की वैल्यू 24, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 6। अब यहाँ पे देखो 4 यूनिट की वैल्यू 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 3 यूनिट की वैल्यू 30, 1 यूनिट की वैल्यू 10। यहाँ पे देखो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दिया गया है, 50, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया, 50/7। 5 यूनिट की वैल्यू 5×50/7, और 2 यूनिट की वैल्यू 2×50/7। अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट कंटेनर का मिल्क है, यहाँ भी ये सेकेंड कंटेनर का मिल्क है, ये थर्ड कंटेनर का मिल्क है, इसको ऐड करें क्योंकि सारे मिल्क को ऐड करना है, तो 24+10+250/7। दूसरे में वाटर को, वाटर देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 10 है, 6+10, और यहाँ पे कितना है, 50/7, तो इसको ऐड करूंगा तो 24 10 34 34 × 7 कितना हो गया, एलसीएम लेके करूं तो 378+250/7, और इसको मैं करूं तो ये कितना हो गया, 16 16 साथ 112+50/7। और हमें चाहिए क्या, फाइनल हमें चाहिए मिल्क और वाटर का रेशियो, हम डिवाइड कर दें, यानी इधर भी डिवाइड कर दें, 7 से 7 कैंसिल, ऊपर कितना बचा, ऊपर बच गया 628, नीचे कितना बचा, 212। कैंसिल करूंगा 3 से, तो कितना हो जाए, 2 से, तो 314/106, फिर कैंसिल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 157/53। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप दोनों मेथड से किसी भी तरह से जा सकते हो, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी दी ही गई थी, ये क्यों, ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको कैलकुलेशन पे बेस्ड होते हैं, उनको करना ही पड़ता है, बाकी अदरवाइज सारा कुछ सेम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 257। देखिए 257 क्या कहा जा रहा है, इन ए कॉलेज यूनियन देर आर 48 स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 5:3, द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी एडेड, द रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स टू इतना। देखिए क्या कहा जा रहा है, पहले बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 5:3, अब कहा जा रहा है, और कितने स्टूडेंट थे, टोटल 48। कहा जा रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स, कितने गर्ल्स एड किए गए, रेशियो क्या बन गया, 6:5। पहले बेसिक अप्रोच, देखिए 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 48 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 के बराबर, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5×6 यानी बॉयज कितने हो गए, 30, 3×6 गर्ल्स, गर्ल्स कितनी हो गई, 18। अब क्या कहा जा रहा है, गर्ल्स कितनी ऐड किया जाए, बॉयज उतने ही है, गर्ल्स कितनी है, 18, कितनी गर्ल्स एक्स ऐड किया जाए, मान लेते हैं एक्स, और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना बन गया, 6/5। अब कैंसिल करें तो 6 से 5 हो गया, तो ये कितना हो गया, 18+x=25, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 7, यानी 7 गर्ल्स ऐड किया जाए, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एसएससी सीजल मेंस 2016 में पूछा गया। चलिए इसको हम रेशियो अप्रोच से कैसे करेंगे, देखिए रेशियो अप्रोच से, पहले बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 5:3, बाद में कितना हो जा रहा है, 6:5, कब हो जा रहा है, जब गर्ल्स को ऐड किया जा रहा है, गर्ल्स को ऐड किया जा रहा है, यानी बॉयज की क्वांटिटी सेम करें, बॉयज इधर 5 है इधर 6 है, तो बॉयज की क्वांटिटी सेम करने के लिए इधर 6 से मल्टीप्लाई, इधर 5 से मल्टीप्लाई, तो इधर कितना बॉयज और गर्ल्स कितना हो गया, 30, 18, 30 और 25। बॉयज की क्वांटिटी देखिए हमने सेम कर दिया, गर्ल्स कितना ऐड किया जाए यही पूछा जा रहा है, यानी 7 यूनिट की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा आंसर मिल जाएगा। देखो इनिशियल में कितने थे बॉयज और गर्ल्स मिला के, देखो 30 और 18, 48 यूनिट, और क्वेश्चन में भी कितना दिया गया था, 48,
48 यूनिट की वैल्यू, 48 तो एक यूनिट की वैल्यू क्या है, एक, तो हमें कितना गर्ल्स ऐड किया गया, 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेवन, तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो आप जिस मेथड से आप कंफर्टेबल फील करते हो आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 258। ये 258 क्या क्वेश्चन दिया गया, देयर आर 3 बोतल्स ऑफ मिक्सचर सर्फ एंड वाटर इन इतना इतना इतना, ठीक है, 3 बोतल है, फर्स्ट बोतल, सेकेंड बोतल एंड थर्ड बोतल, तीनों में सर्फ एंड वाटर, सर्फ एंड वाटर का रेशियो कितना दिया गया, 2:3, इसमें कितना दिया गया है, 3:4, इसमें कितना दिया गया, 5:10। अब आगे बढ़ते हैं, 10 लीटर ऑफ द फर्स्ट 21 लीटर ऑफ द सेकेंड एंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द थर्ड बोतल इज टू बी टेकन, देन द फाइनल मिक्सचर फ्रॉम 3 बोतल विल बी 1:1। देखिए क्या कहा जा रहा है कि इसमें से हमने 10 लीटर उठाया, सेकेंड वाले बोतल से 21 लीटर उठाया और थर्ड वाले बोतल से हम कितना लें, मान लेते हैं लेट सपोज एक्स लीटर लेते हैं, कि इनका जो फाइनली सर्फ और वाटर का रेशियो हो वो 1:1 हो जाए। तो देखिए जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलें, देखिए हमें चाहिए सर्फ एंड वाटर का रेशियो, तो पहले सर्फ की क्वांटिटी देखते हैं, यहां पे देखिए सर्फ की क्वांटिटी कितनी है, 2 आउट ऑफ कितनी टोटल, 5:10, क्योंकि 10 लीटर लिया गया है। यहां पे सेकेंड वाले में सर्फ की क्वांटिटी, क्योंकि ऊपर हम सर्फ लिख रहे हैं, 3 आउट ऑफ कितना, 7 इंटू कितना, 21 प्लस थर्ड वाले में 5:15 टोटल 15 क्या, एक्स लीटर, क्योंकि यहां पे क्वांटिटी हमने क्या लिया, एक्स, लेट सपोज यही एक्स निकालना है। वाटर, वाटर कितना यूनिट है, 3 यूनिट आउट ऑफ कितना, 5 वॉल्यूम कितना लिया, 10। सेकेंड वाले बोतल में वाटर कितना है, 4 आउट ऑफ कितना, 7:21 प्लस थर्ड वाले में कितना है, 10 आउट ऑफ कितना, 15:x और ये रेशियो क्या है, 1:1, यही क्वेश्चन कहा गया है। अब देखिए क्वेश्चन तो ये कहा गया, अब कैसे करेंगे, ये कितना हो गया, 2, ये कितना हो गया, 3, तो ये इधर देखिए कितना हो गया, 4 और 9 13 प्लस ये कितना हो गया, 5x/15, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, 5x/15। नीचे देखिए क्या हो गया, अब देखिए नीचे सोल्व करें तो क्या हो गया, 5 × 2 = 10, 6 × 7 लिख के 21, 6 और 7 13 यहाँ पे 4/7, ठीक है, 7:21 6 और 12 कितना हो गया, 18 हो गया, 18 प्लस ये कितना रह गया, 10x/50 ऐसे ही रहने दूं, 10x/1 मिनट कहीं कुछ गलती तो नहीं ले लिए ना, 4 पहले दिया गया, 2:3 3:4 7:5 है, ये मैंने पूरा का पूरा रॉन्ग ले लिया, सॉरी फॉर दैट, एक मिनट मैं इरेज कर दूं, ये स्टेटमेंट ही मैंने गलत ले लिया, थर्ड वाले को चेंज करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे थर्ड वाले को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो क्या दिया गया था यहाँ पे, 7:5 दिया गया है, 7:5 यानी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 7 यूनिट आउट ऑफ कितने टोटल, 12 और उसका लीटर कितना लेना है, x, उसी तरह से नीचे कितना लेना पड़ेगा, वाटर के 5 out of 12 into x यानी यहाँ पे 5x/12 होगा और यहाँ पे 7x/12 होगा ऊपर और इधर क्या होगा, 5x/12 और इनका रेशियो क्या है, 1:1। मैं यहाँ पे इरेज करके चेंज भी कर देता हूं ताकि आपको पूरी की पूरी चीजें समझ में आ जाए। देखिए सोल्व करना है, वही कुछ नहीं है, 13 + 7x/12 और इधर कितना है, 18 + 5x/12, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा इसके, मैं इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 + 5x/12। अब देखिए इसको मैं इधर लेके आता हूं तो कितना हो गया, 5 और इसको मैं इधर लेके आता हूं तो 7x - 5x कितना हो गया, 2x/12, ये कैंसिल हो गया 6, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 30, यानी इसका हमें कितना लेना पड़ेगा, 30 लीटर। तो एक तो तरीका ये है कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो एक तो बेसिक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, देखिए ध्यान से, इसी को हम चेंज करते हैं थोड़ा सा। देखिए ध्यान से, लेट सपोज क्या कहा जा रहा है, 2:3 फर्स्ट बोतल, सेकेंड बोतल में वाटर और सर्फ का रेशियो 3:4, थर्ड वाले में सर्फ और वाटर का रेशियो कितना है 7:5, इसका कितना लेना है 10 लीटर, इसका कितना लेना है 7 लीटर, इसका सपोज एक्स लीटर लेना है। तो देखो हम ध्यान से यहीं से निकाल लें, ये क्या है मिल्क एंड सर्फ का रेशियो। देखो यहां से 5 यूनिट की वैल्यू 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो यहां से 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मिल्क की 4, और वाटर कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6, यहां से देखो 7 यूनिट की वैल्यू 7 लीटर, सॉरी यहाँ पे 21 लीटर लेना है ना, 21 लीटर, 7 यूनिट की वैल्यू 21 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर, तो 3 यूनिट की वैल्यू 9, 4 यूनिट की वैल्यू 12, यहाँ तक हो गया। थर्ड वाले में देखते हैं 12 यूनिट की वैल्यू एक्स लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू एक्स बाई 12, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7x/12, और इधर क्या है 5x/12, जोड़ लें हम इधर, इधर जोड़े मिल्क को तो 9 × 4 = 13, 13 + 7x/12 हो जाएगा इधर, और इधर कितना हो गया 18 + 5x/12। अब देखो रेशियो क्या है 1:1, यानी क्या होना चाहिए इक्वल, बस इक्वल कर दें, तो इधर मैं इसको, इधर इसको लेके आता हूं तो क्या हो गया 5, और इधर मैं इसको ले जाता हूं तो क्या हो गया 2x/12, कैंसिल 6, तो x की वैल्यू क्या हो गई 30। तो ये मेथड 2 है, उसी को हमने थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था SSC CGL मेंस 2016 में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 259। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में डिफर कर रहा है, तो मैं आपको हिंदी हिंदी को लेकर के इंग्लिश की लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे मिस्टेक दिया गया है। इन द अपर हाफ ब्लू एंड येलो, इन द लोअर हाफ कोमा होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया, क्योंकि आप चेंज कर लीजिएगा हिंदी के अकॉर्डिंग, इंग्लिश में बैरियर लिखा होता है यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी सारा स्टेटमेंट ठीक है। देखिए ध्यान से कहा गया इन ए कलर्ड पिक्चर ब्लू एंड येलो कलर, मान लो कि ये कलर्ड पिक्चर है, फॉर एग्जांपल मैंने एक कलर्ड पिक्चर ये लिया, इसमें क्या है ब्लू और येलो कलर का कॉम्बिनेशन है, ब्लू एंड येलो का कॉम्बिनेशन है। आगे बढ़ते हैं, कलर यूज्ड इन द रेशियो, और जो ये कॉम्बिनेशन, इस पिक्चर को मैंने पूरा लिया इस पिक्चर को, तो इसमें क्या है ब्लू और येलो का रेशियो कितना है 4:7। आगे बढ़ते हैं, कहा जा रहा है इफ द अपर हाफ, मतलब इसको दो पार्ट में डिवाइड में लेकर दूं, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, ये वाला पार्ट क्या है अपर पार्ट, और ये वाला क्या हो गया लोअर पार्ट। अब देखिए ध्यान से, अप इन द अपर हाफ ब्लू एंड येलो, इस अपर हाफ जो ऊपर वाला है उसमें ब्लू और येलो का रेशियो कितना दिया गया है 2:3, तो लोअर हाफ में, इन द लोअर हाफ ब्लू एंड येलो, लोअर हाफ में ब्लू और येलो का रेशियो क्या होगा, मान लेते हैं कुछ नहीं तो एक्स और इस टू वाई, जो कुछ भी हो हमें निकालना है, ठीक है, और वही ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए ध्यान से, पहले टोटल, पहले मैं टोटल की बात करता हूँ, पहले टोटल, टोटल में ब्लू और येलो का रेशियो कितना है, ब्लू और येलो का रेशियो 4:3, टोटल की बात किया जा रहा है। अपर हाफ में, अपर हाफ में कितना है ब्लू और 2:3, लेकिन जब हम मिक्सिंग करेंगे तो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, देखो टोटल कितर इधर कितनी है 7, और इधर कितनी है 3 और 2 = 5, हमें मिक्सिंग करने के लिए हम क्वांटिटी को इक्वल करें, तो इक्वल करने के लिए इधर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले हम क्या करना पड़ेगा इक्वल, इक्वल तो कर दिए, अब इक्वल करने के बाद, अब देखिए ध्यान से, लेकिन इक्वल तो कर दिए, अब मिक्सिंग इक्वल करके करेंगे। अब देखो टोटल कितना हिस्सा है, टोटल अगर ये मैं बात करूं, ऊपर का हिस्सा कितना है 1 यूनिट, तो 1 से मल्टीप्लाई क्योंकि ऊपर वाला पार्ट है, टोटल कितना हिस्सा है 1 और 2 बस, यानी यहां पे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, और यहां पे कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, तो देखो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40, और ये कितना हो 40 और 30 हो जाएगा, इधर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 14, और ये कितना हो जाएगा 21। देखो ये टोटल हिस्सा है और ये क्या है अपर हिस्सा, अब टोटल में से अपर को माइनस कर दूं, टोटल में से अपर ये क्या है ब्लू और ये क्या है येलो, अगर टोटल में से अपर को माइनस कर दूं तो लोअर निकल जाएगा, देखो ये टोटल था, टोटल में से अपर को माइनस कर दूं तो लोअर वाला पार्ट निकल जाएगा,
तो 40 माइनस 14 यानी कितना हो गया 26 ब्लू कलर, और येलो 30 माइनस 29 यानी 9, यानी रेशियो कितना हो गया 26:9। ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन एसएससी सीजन मेंस में पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी सी डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो कि किस तरह से मैं क्वेश्चन को करना है, तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता टोटल कितना हिस्सा है, एक और दो, और अपर हिस्सा कितना है एक, इसीलिए हमने 1:22 किया था, क्योंकि पहले हमने इक्वल किया, उसके बाद जिस रेशियो में है उसको हमें उस रेशियो में मल्टीप्लाई करना पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 260। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ये एक्चुअल क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नहीं है, पार्टनरशिप का है, यानी साझेदारी टॉपिक का है, लेकिन फिर भी चलिए इसमें आ गया है, क्वेश्चन दिया गया तो हम करते हैं क्वेश्चन को। क्या कहे, ए एंड बी स्टार्ट ए इंटरप्राइज टूगेदर विथ ए एन एक्टिव पार्टनर, ए क्या है एक्टिव पार्टनर है। आगे बढ़ते हैं, ए इन्वेस्ट 4000 एंड बी, एंड देखो क्या कहा जा रहा है, ए इन्वेस्ट 4000 एंड 2000 मोर आफ्टर 8 मंथ। देखो ए ने क्या किया, इन्वेस्ट किया 4000 रुपए, और उसके बाद क्या कर रहा है 8 मंथ के बाद 2000 रुपए और ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, यानी 8 मंथ तक उसने क्या किया 4000 इन्वेस्ट किया, 8 मंथ के बाद 2000 और इन्वेस्ट किया, यानी अब कितना इन्वेस्ट करने लगा 6000, और वो एक साल की बात किया जा रहा है, प्रॉफिट ईयर की बात किया जा रहा है, तो एक साल में 12 मंथ होते हैं, 8 मंथ तो उसने 4000 इन्वेस्ट किया, उसके बाद क्या किया देखो आफ्टर 8 मंथ उसने 2000 रुपए क्या करने लगा और ज्यादा ऐड करने लगा, यानी 4000 पहले था 6000, और वो कितना मंथ इन्वेस्ट करेगा 4 मंथ, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। बी की बारी आई, बी देखो क्या कहा जा रहा है, बी इन्वेस्ट 5000, बी क्या कर रहा है 5000 इन्वेस्ट कर रहा है आफ्टर 9 मंथ बींग एक्टिव पार्टनर, ए टेक्स देखो क्या कहा जा रहा है, सॉरी डेट यहां पे देखते हैं 5000 एंड विथड्रॉ 2000 आफ्टर 9 मंथ, यानी 9 महीने तक तो उसके पैसे इन्वेस्ट हुए 5000, उसके बाद उसने 2000 रुपया विथड्रॉ यानी निकाल लिया, अब 2000 निकाल लिया तो बचा कितना 3000, और 3000 पे क्या 3 महीना चलेगा, क्योंकि टोटल 12 मंथ होता है एक साल में, 9 महीना तो हमने इन्वेस्ट 5000 किया था, उसके बाद उसने क्या किया 2000 निकाल लिया था, जब 2000 निकाल लेगा तो उसका इन्वेस्टमेंट कितने पे हुआ 3000 पे, यहां तक तो हो गया ये, अब इनका निकाल लें तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, प्रॉफिट क्या होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, जो ये आएगा वो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो देखो 8 चौके 32 और 24 कितना होता है 56000 हो गया। चलो इधर देखते हैं, 9 पांच 45 और 9 कितना हो गया 54000, इनका रेशियो निकालूं तो ये जो रेशियो आएगा किसका प्रॉफिट रेशियो आएगा, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया 56:54। इसको चाहोगे तो कैंसिल भी कर सकते हो, नहीं कैंसिल करना है छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो 28:27 भी लिख सकते हो, डजंट मैटर आप कर सकते हो, नहीं करना है आप छोड़ भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, बींग ए एक्टिव पार्टनर ए टेक्स 100 रुपए पर मंथ एज ए एलोवेंस फ्रॉम द प्रॉफिट, कहा जा रहा है ए क्या है एक्टिव है, यानी वो मेहनत पे मेहनत कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है ए जो है क्या कर रहा है 100 रुपया पर मंथ ले रहा है अपने एलवायंसेस यानी अपने खर्च, कुछ भागीदारी जो एक्टिव था इसलिए उसने, तो 100 रुपया पर मंथ ले रहा है, यानी 12 महीने में कितना लेगा वो 1200 रुपया ए एक्स्ट्रा लेगा, ये क्वेश्चन में बोला गया है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर, बताओ टोटल प्रॉफिट हो रहा है 60 इतना, तो ये थोड़े ना इन दोनों में बढ़ जाएगा, क्योंकि ए एक्स्ट्रा 12000 ले रहा है, 1200 इसमें घटा दूं तो कितना बचा 55000, और ये जो 5500 होगा ये किस में बटेगा ए और बी में, ए और बी इधर कितना है, मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 110 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5500, क्यों मैंने इसमें नहीं बांटा, क्योंकि ए को तो एक्स्ट्रा 1200 मिलेगा ना भाई, तो इसमें से 1200 ले लेगा, तो 5500 को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, दो हिस्सों में क्या 56 और 54 को ऐड करेंगे 110 यूनिट, 10 से 10 कैंसिल, 11 से कितना हो गया 50, एक यूनिट की वैल्यू 11 × 5 = 55 यानी 50, एक यूनिट की वैल्यू 50 हो गई, 50 रुपए के बराबर है। हमसे पूछा क्या गया है बी का हिस्सा कितना है 54 यूनिट, तो 54 यूनिट की वैल्यू 54 × 50 दैट मींस कितना हो गया
जीरो, 5 और 20, 5 और 20 = 27, यानी 2700। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल मेंस 2000 मेंस के पेपर में 2016 में पूछा गया था। तो मेंस के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, आपको अगर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। देखिए मेरे 2 कोर्सेस रनिंग चल रहे हैं, रनिंग क्या रीजनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, आप रीजनिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स की फी है 300 रुपीज़ और यू कैन यूज लाइफ टाइम, आप पूरी लाइफ टाइम तक ज्वाइन कर सकते, लाइफ टाइम के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो। इसमें 100+ वीडियो लेक्चर्स हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों टॉपिक्स पूरी तरह से कंप्लीट कराए गए हैं। पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, पीडीएफ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी एंड डाउट ग्रुप की भी फैसिलिटी, आप वीडियो के कमेंट्स में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एक जीएस स्पेशल कोर्स लेके आया गया, चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की, एमटीएस की। इसमें क्या है, इस कोर्स की फी है 499। इसमें जनरल साइंस में पहले आपको कॉन्सेप्ट कराया जा रहा है, कॉन्सेप्ट के बाद आपको को 1999 से लेकर के 2017 तक के क्वेश्चन सारे मैं खुद कवरअप करा रहा हूँ। इसमें 3 सब्जेक्ट कवरअप किए जाएंगे, क्योंकि जीएस जनरल साइंस का कोर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और जो लोग एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं, जो रेलवे का, उनके लिए बहुत ज़्यादा और ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसमें क्या है, प्रैक्टिस सेशन भी दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और क्वेश्चन की पीडीएफ भी दी जा रही है बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश। तो ये कोर्स आपको रनिंग चल रहे हैं, आप कंफर्टेबल, आप ज्वाइन करना चाहते हो देन ज्वाइन कर सकते हो। बात आती है कैसे ज्वाइन करोगे, तो अभी इसका यूज नहीं है, आप 3 प्रोसेस से कर सकते हो। या तो आप ये यूज करके पे कर सकते हो, या तो आप फोन पे, देखिए गूगल पे तेज ऐप्स है उसके थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा गूगल तेज ऐप्स नंबर दिया गया है। आप फोन पे ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा फोन पे ऐप्स नंबर दिया गया है। या आप अकाउंट नंबर यहाँ पे मेरा दिया गया, आप अकाउंट नंबर के थ्रू भी आप पे आउट कर सकते हो। अब बात आती है कि पे करने के बाद आपको कोर्स कैसे मिलेगा, तो जो आपने पे किया उसके बाद पे स्लिप की स्क्रीनशॉट और पिक्स आपको सेंड करना होगा इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। उसके बाद मैं आपको वेरीफाई करके आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा और उस लिंक के थ्रू आप सारा कुछ एक्सेस कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, इस लाइक को अचीव कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप भी मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें इस सेशन का। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।